वेलकम बैक टू पबजी कस्टम रूम। मेरा नाम है टाइगर नूर और आप देख रहे हो हमारा चैनल टाइगर नूर गेमिंग। तो गाइस आज 80 प्लेयर्स आए हैं हमारा कस्टम रूम खेलने के लिए। थैंक यू सो मच गाइस, आप लोग आए एंड यहां पे फेस चेंजर भाई साहब बुला रहे हैं। वेंचो आ जाओ, जिसमें दम है ना आ जाओ, सबको मारूंगा आज। तो यहाँ पे आज देखना पड़ेगा भाई कौन सी टीम फॉर्म में रहेगी, क्योंकि मैं देखना चाहता हूँ कि जो टीम सबसे पहले फॉर्म में रहती है ना भाई, चिकन डिनर वही लेके आती है शुरू से, जो मतलब कि अच्छा खेलती है। एंड यहाँ पे भाई हमारा जो मैच है, आधे घंटे वाला मैच स्टार्ट हो चुका है। अगर मैं रूट की बात करूँ तो यहाँ पे क्वेरी से माल्टा पावर बहुत ही तगड़ा रूट है। मिलिट्री बेस भी लोग जाएंगे, डोवो भी जाएंगे, जो जिनको भाई जार्किया जाना है ना वो जार्किया जाके ही रहेंगे, तो ये बहुत ज़्यादा अच्छी बात है। यहाँ पे आप सभी टीम्स देख सकते हो, फेस चेंजर, मूड आर्मी, यहाँ पे MRJ, एंटी टेक्सर्स, HLV, मिस्टर नूब, FLT विकास, यहाँ पे टीम नंबर 8 डेवलनस की, एंड यहाँ पे अगर मैं बात करूँ टीम नंबर 7 की एनिमस की, टीम नंबर 9 GTX, एंड यहाँ पे टीम नंबर 10 देख सकते हो ब्लिशबॉट, एंड यहाँ पे टीम नंबर 11 इंडियन आर्मी बाई डॉन बाई स्नाइपर, टीम नंबर 12 टीम के, एंड यहाँ पे टीम नंबर 13 SF, कल बहुत तगड़ा ये बंदे खेले थे, टीम नंबर 14 महादेव, टीम नंबर 15 MB मिलान, टीम नंबर 16 दी हंटर एनिमस करोना के साथ, यहाँ पे टीम नंबर 17 दी हेलो जी, यहाँ पे टीम नंबर 18 रॉयल रावण हर्षित के साथ, यहाँ पे टीम नंबर 19 आजी किलर, यहाँ पे टीम नंबर 1947 यादव रावण के बंदे बहुत ही तगड़ा, यहाँ पे टीम नंबर 22 OP गुरजीत एंड किलर सागर के साथ, यहाँ पे टीम नंबर 23 नूब किंग, टीम नंबर 24 RDX नूब, नूब प्लेयर्स की टीम RDX क्रेजी भी आज आ रखे हैं, टीम नंबर 25 वरुण एलियन, यहाँ पे हमारी राणा साहब की टीम। तो यहाँ पे अगर मैं बात करूँ टीम नंबर 3 की, जो कि लैंड हो चुके हैं सबसे पहले, एंड यहाँ पे आप देख सकते हो भाई गन वगैरह सब कुछ उठा लिया है, आसपास कोई भी टीम नहीं है, आराम से लूट करो प्रीमॉक्स में, बहुत ही ज़्यादा बढ़िया इनको भाई सब लूट मिल जाएगी जहाँ तक मेरे को लग रहा है। एंड यहाँ पे मैं जल्दी से टीम नंबर 23 के पास चलता हूँ, जो कि पुशिंग की लैंड हो चुके हैं। तो ये भी बहुत ही खतरनाक टीम है यार, इनका मैंने कल ही गेम प्ले देखा था जोर जो सिटी में, मेरे को बहुत ही तगड़ा लगा। आज पुशिंग की में आसपास कोई भी नहीं है, तो इनको भी बहुत ही ज़्यादा अच्छी रूट मिल जाएगी पुशिंग की से, एंड हो सके तो भाई प्लेयर भी मिल जाएगी यार। आज यहाँ पे टीम नंबर 1 की बात करूँ तो यहाँ पे टाइगर हल्क अपनी टीम के साथ नहीं उतरे हैं, तो जल्दी से टीम नंबर 23 के पास चलता हूँ। एंड यहाँ पे SP, यहाँ मैं देख रहा हूँ यार इनकी फाइट तो किसी के साथ हो नहीं रही है, एंड DTX सर्च के पास जल्दी से मैं चलना चाहता हूँ। DTX सर्च, यहाँ पे टीम नंबर 13, जी हाँ टीम नंबर 13 भी SF के बंदे हैं, एंड आज इनकी दो स्कोर्स आई हैं, तो भाई इनको तो देखना पड़ेगा। थैंक यू सो मच, NVS ने भी एक बंदा नीचे करा दिया है, एंड यहाँ पे आप देख सकते हो टीम नंबर 8 एंड टीम नंबर 13 एंड टीम नंबर 4 की यहाँ पे फाइट चल रही है, तो भाई बहुत ही ज़्यादा खतरनाक यहाँ पे आप देख सकते हो आज की थंबनेल हमारी। एंड यहाँ पे डेवलपर्स की NVS की टीम के पास चला है मेरे को कोरोना के पास, यहाँ पे भाई टीम नंबर 16 के पास चलते, यहाँ पे टीम नंबर 16 की अगर मैं बात करूँ तो इनकी भी फाइट हो रही है टीम नंबर 8 के साथ, नहीं टीम नंबर 7 के साथ। यहाँ पे टीम नंबर 7 की बात करूँ तो भाई एक बंदा सुमित हमें छोड़ के जाने वाले हैं, और यहाँ पे टीम नंबर 16 की बात करूँ तो वो कोरोना तो हमें छोड़ के चले गए, तो भाई ये बहुत ही खतरनाक यहाँ पे फाइट्स हो रही है। एनिविस रावड़ी ने एनिविस चैम को यहाँ नीचे करा दिया, अपने दोस्त को मारे अपने ही क्लैन के बंदे, बट यहाँ पे अगर मैं टीम नंबर 7 की बात करूँ तो भाई बहुत ही खतरनाक खेले, एंड यहाँ पे भाई साहब एनिविस के बंदे हमें छोड़ के जा चुके हैं। टीम नंबर 13 का रुक कर लेते हैं, जिनकी फाइट हो रही है टीम नंबर 4 के साथ, एंड यहाँ पे टीम नंबर 13 के मैं दो प्लेयर्स देख रहा हूँ जो कि नोक पड़े हैं, एंड यहाँ पे भाई साहब बहुत ही तगड़ा खेला, यहाँ पे भाई बहुत ही खतरनाक प्लेयर को मारा, मैं इनका नाम नहीं पढ़ सकता। यहाँ पे भाई टीम नंबर 4 को पूरा वाइप किया, बहुत ही तगड़ा। अगर मैं बात करूँ डब्ल्यूएस की टीम की, तो यहाँ पे स्टूडेंट्स की हेल्थ बहुत ज़्यादा कम है, एंड उनको हेल्थ किट लगानी पड़ेगी M4 भाई, M4 Section A। यहाँ पे गब्बर के पास चलना चाहता हूँ भाई, जिनकी फाइट हो रही है टीम नंबर 7 के साथ में भी, एंड गब्बर की स्कोर आज मैंने देखी नहीं है कहाँ पर होगी, टीम नंबर 9 पे मेरे को लग रहा है भाई यहाँ पे इनकी स्कोर होगी, जी हाँ टाइगर शैडो गब्बर एंड GTX संधु, इनकी फाइट हो रही है टीम नंबर 6 के साथ। और अगर मैं बात करूँ तो भाई साहब यहाँ पे टीम नंबर 6 के दो प्लेयर भाई इन्होंने खा लिया है, एंड गब्बर भाई मिस्टर नूब को भी यहाँ पे नीचे गिरा लिया है, एंड अगर मैं बात करूँ वुल्फ की तो वो ही बचे हैं, तो भाई बहुत तगड़ा अभी अपनी मतलब कि टीम को अभी तक बरकरार रखा है भाई, अभी इनको देखना पड़ेगा कि क्या ये सर्वाइव खेलते हैं, कितनी समय तक बच पाएंगे, क्या ये चिकन ले पाएंगे, ये भी देखना पड़ेगा। यहाँ पे गब्बर ने नूब को पूरा किल किया, 20 लेजेंड इनके साथ खेल रहे हैं, बहुत ही ज़्यादा बढ़िया। यहाँ पे मैं टीम नंबर 23 की बात करना चाहता हूँ, जो कि भाई टीम नंबर 15 के बहुत ही ज़्यादा पास आ चुकी है, टीम नंबर 12 के बहुत ही ज़्यादा पास आ चुकी है। टीम नंबर अगर मैं 12 की बात करूँ तो टीम के पैंथम, यहाँ पे आप देख सकते हो बहुत ही ज़्यादा अच्छे खिलाड़ी अपने दोस्त के साथ हैं, एंड ये आ चुके हैं भाई साहब लूट करने पोचिंकी के एरिया के आसपास,
एंड आज मैं कोशिश कर रहा हूँ क्योंकि फाइट्स नहीं हो रही तो मैं सभी प्लेयर्स को एक बार दिखा देता हूँ। टीम नंबर अगर मैं 11 की बात करूँ तो इंडियन आर्मी की सीएस स्क्वाड है एंड यहाँ पे इंडियन आर्मी आप देख सकते हो डोरमैन स्नाइपर के साथ पुचिंकी के आसपास ये लूट कर रहे हैं एंड लूट मिल जाएगी इनको, अच्छी लूट मिल जाएगी, नो प्रॉब्लम। बट इनके पास टीम नंबर 15 का एक दो प्लेयर है जो सोलो दो खेल रहे हैं, यहाँ पे एमबी मिलान एंड यहाँ पे आप चक्की भी देख सकते हो एंड बहुत ही बढ़िया नाम, मेरे को नहीं पता मैंने सही बोला या नहीं, मेरे को नहीं पता। एंड अगर मैं बात करूँ भाई साहब नेक्स्ट टीम की, टीम नंबर 1 की, तो यहाँ पे अगर मैं भाई बात करूँ टीम नंबर 1 की तो आप देख सकते हो टीम नंबर 1 अपने दोस्त से थोड़ा सा दूर है। टाइगर हल्क इनके साथ नहीं उतरे तो थोड़ा सा मतलब कि इनको डिसएडवांटेज होगा, इनको नहीं टाइगर हल्क को ही होगा क्योंकि वो अकेले है। यहाँ पे भाई डो जो स्क्वाड है रोय रावन एंड हर्षित, ये भी स्क्वाड दो, यही ये भी डो टीम बहुत ही ज़्यादा अच्छा है, दोनों ही बहुत ज़्यादा अच्छा खेलती है। बट मैं जल्दी से टीम नंबर 8 के पास चला जाऊंगा जिनकी फाइट स्टार्ट हो चुकी है टीम नंबर 13 के साथ। यहाँ पे भाई एसएफ की बात करूँ तो उन्होंने एक बंदा नीचे गिरा दिया टीम नंबर 8 का, स्ट्रेंज। और अगर मैं बात करूँ तो भाई साहब ऐसे टीम नंबर 8 के सभी बंदों ने पोजीशन ले रखी है एंड भाई साहब आप देख सकते हो एसएफ 2C डीपी की हेल्थ बहुत ज़्यादा कम है भाई, क्या नाम है, मतलब कि किस फोन का नाम रखा है भाई तूने, इतना ज़्यादा खतरनाक नाम। एंड अगर मैं बात करूँ तो यहाँ पे टीम के ने एक बंदा नीचे गिरा दिया इंडियन आर्मी का एंड सोरम ने भी भाई एक बंदा नीचे गिरा दिया है। टीम के पैंथम के पास जल्दी से मैं चलना चाहूँगा, टीम के पैंथम, यहाँ पे टीम 12 की फाइट हो रही है टीम नंबर 11 के साथ एंड यहाँ पे भाई साहब सिर्फ ड्रोन भाई स्नाइपर ही बचे हैं, इंडियन आर्मी के दोनों ही बंदे हमें छोड़ के जा चुके हैं एंड उनके दोस्त अकेले बचे हैं। जल्दी से फिर रुक करते हैं वैनम का, जिन्होंने अभी तक अपने दोस्त को रिवाइव नहीं दिया है। टीम नंबर 13 की बात करूँ तो यहाँ पे भाई दो प्लेयर हमें छोड़ के जा चुके हैं एंड अगर मैं बात करूँ भाई साहब टीम नंबर 8 की तो उनकी पोजीशन अभी तक सेम बनी हुई है, डटी हुई हैं एंड एक नहीं दो ही बंदे बचे हैं टीम नंबर 13 के। अगर मैं भाई बात करूँ रैम्बो की तो उनकी हेल्थ बहुत ज़्यादा कम है, यहाँ पे नेट तो किया है एंड यहाँ पे स्ट्रेंज को बचाने की कोई कोशिश नहीं कर रहा, मेरे को लग रहा है अपने दोस्त को नहीं खोना चाहिए उनको। हरित्य की बात करूँ वो सभी मतलब फोकस है भाई साहब उनका बंदूक को मारने में एंड एलियन के पास जल्दी से चलना चाहता हूँ टीम नंबर 25 जिनकी फाइट हो चुकी है स्टार्ट टीम नंबर 17 के साथ। टीम नंबर 17 की अगर मैं बात करूँ तो यहाँ पे डी हेलोस के बंदे देख सकते हो, वरुण को नीचे गिरा दिया डी हेलोस जी ने, भाई डी हेलोस जी मेरे बहुत ही ज़्यादा अच्छे दोस्त हैं एंड यहाँ पे डब्ल्यू स्टेज हमें छोड़ के जा चुके हैं। एंड अगर मैं बात करूँ टीम नंबर 25 की तो यहाँ पे आप देखते हो वरुण यहाँ पे नोक पड़े हैं एंड मेरे को नहीं लग रहा है रिवाइव हो पाएंगे, जी हाँ रिवाइव हो चुके हैं एंड पकड़ लिया है। बट अगर मैं किलर की बात करूँ तो उनकी आप पोजीशन देख सकते हो, उनको भी पता है कि आगे बंदे हैं, वैरम ने भाई रैम्बो को भी नीचे गिरा दिया है एंड यहाँ पे टीम के पैंथम ही नीचे गिर चुके हैं तो जल्दी से भाई टीम 12 के पास चलना पड़ेगा। यहाँ पे अगर मैं बात करूँ तो भाई इतनी अच्छी फाइट छोड़ के मैं क्यों गया, मैं इनकी फाइट पहले कंप्लीट दिखा देता हूँ। एंड अगर मैं बात करूँ टीम नंबर 17 की तो भाई रुख बदल गया है एंड यहाँ पे भाई जी के आप देख सकते हो भाई प्लेयर बहुत एक प्लेयर हमें छोड़ के जा चुके हैं एंड जी भी नॉक हो चुके हैं। उस्ताद अमित क्या आप संभाल पाएंगे? अगर मैं बात करूँ टीम नंबर 25 की तो यहाँ पे सिर्फ एक ही प्लेयर बचा है, वो है एलियन। एलियन की अगर मैं बात करूँ तो यहाँ पे भाई साहब वो भी हमें छोड़ के जा चुके हैं एंड यहाँ पे भाई साहब बहुत ही ज़्यादा बढ़िया खेली टीम नंबर 17। जल्दी से मैं टीम नंबर 23 के पास चलता हूँ जिनकी फाइट हो रही है भाई साहब टीम नंबर 12 के साथ। अगर मैं बात करूँ टीम नंबर 23 की सभी प्लेयर सेफ हैं, बट अगर मैं बात करूँ टीम नंबर 12 की तो यहाँ पे सिर्फ दो प्लेयर बचे हैं एंड टीम के पैंथम बहुत ही सभी प्लेयर बहुत ज़्यादा अच्छे हैं एंड डू वर्सेस स्कोर यहाँ पे देखने को मिल रहा है एंड यहाँ पे भाई नूप किंग बहुत ही खतरनाक नेट करते हुए एंड यहाँ पे TMT फ्लैश को नीचे गिरा दिया है एंड यहाँ पे अगर मैं बात करूँ पूरा किल भी कर दिया बट पीछे से भाई पड़ गया टीम के, ओ भाई बहुत ही ज़्यादा खतरनाक। यहाँ पे अगर मैं बात करूँ टीम का क्या एक ही बंदा बचा है एंड वो भी फाइनली हमें छोड़ के जा चुके हैं। टीम नंबर 12 की अगर मैं बात करूँ तो भाई साहब TMT फ्लैश जो कि भाई लास्ट तक हमेशा बचते हैं वो आज भाई हमें छोड़ के जा चुके हैं, उनको सबसे पहले किल किया। एंड अगर मैं टाइगर हल्क की बात करूँ ना तो वो बहुत ही ज़्यादा सेफ है, बट मैं चाहता हूँ मैं सभी टीम्स को कवर कर लूँ। टीम नंबर 14 के पास चलते हैं जो कि आ चुके हैं मेंशन में, जी हाँ ये मेंशन नहीं शेल्टर में है, सॉरी। एंड अगर मैं बात करूँ डार्क साइको मेरे बहुत ही बढ़िया दोस्त, प्रभु भी आए हैं, महादेव एंड यहाँ पे आप देख सकते हो भाई साहब साइको एक और साइको दो साइको यहाँ पे आप देख सकते हो, ये भी फिलहाल सेवली खेल रहे हैं यहाँ पे आप देख सकते हो हाउसेस में एंड जिनके आसपास में भी बंदे नहीं हैं, जी हाँ इतने भी बंदे ही नहीं है। बट मैं टीम नंबर 9 के पास चलना चाहता हूँ जिनकी फाइट हो रही है प्रिजन में, किस टीम के साथ हो रही है भाई, टीम नंबर 2 के साथ। यहाँ पे मोसाद आर्मी देख सकते हो आप एंड अगर मैं बात करूँ मोसाद आर्मी की तो इनके जो दूसरे प्लेयर्स हैं ना वो भी यहीं पर हैं एंड यहाँ पे भाई टाइगर्स की पूरी स्कोर ने ले रखी है पोजीशन एंड स्मोक किया है डासी के ऊपर, क्या पता निकलने की तैयारी हो। बट
भाई मेरे को तो नहीं लग रहा GTX ओके। तो यहाँ पे गब्बर को नीचे गिरा दिया है एंड भाई बहुत ही खतरनाक व्यू मिला एंड गब्बर थोड़ा सा गलत व्यू था गब्बर के पास। अगर नेट आया तो भाई मेरे को लग रहा है गब्बर छोड़ के चले जाएंगे। तो टीम नंबर रैंक के ऊपर प्रेशर हो चुका है कि भाई अपने दोस्त को रिवाइव भी देना है, तो अभी कुछ तो कुछ करना पड़ेगा। यहाँ पे 20 लेजेंड आप देख सकते हो पोजीशन लेके बैठे हैं। अगर मैं टाइगर शैडो की बात करूँ वो भी पोजीशन लेके बैठे हैं एंड यहाँ पर रोहित रावण ने आयुष को नीचे गिरा दिया है। टीम नंबर वन के पास जल्दी से चलते हैं। यहाँ पे आयुष नीचे गिर चुके हैं एंड स्कूल में फाइट हो रही है भाई साहब टीम नंबर 24 की टीम नंबर 18 की। तो यहाँ पे आरजी के बंदी भी आ चुके हैं एंड इतना खतरनाक स्टंट लगाते हुए आरजी भाई क्या दासू एंट्री है एंड हाथ में कुछ भी नहीं है भाई बहुत ही डेयरिंग बंदा ये आरजी इज़ क्रेजी। आपको इनकी कमेंट्री भी बहुत अच्छी लगती थी एंड अगर मैं बात करूँ टीम नंबर 24 की तो बहुत ही खतरनाक ये टीम है। अगर मैं टीम नंबर 18 की बात करूँ रोहित रावण की तो यहाँ पे आप देख सकते हो, पर मैं जल्दी से टीम नंबर 9 के पास चलना चाहता हूँ। यहाँ पे भाई साहब दो प्लेयर्स नीचे भी गिर चुके हैं एंड भाई साहब सिर्फ GTX ही बचे हैं और ये देखना पड़ेगा क्या वो अपने ओ भाई ये क्या हुआ भाई। अगर मैं टीम नंबर 9 की बात करूँ तो टाइगर शैडो में छोड़ के जा चुके हैं, गब्बर भी हमें छोड़ के जा चुके हैं। मुसाद ने बहुत ही खतरनाक व्यू मिल रहा है मुसाद को। अगर मैं मुसाद की बात करूँ ओ भाई साहब बहुत ही खतरनाक। यहाँ पे GTX संधू ने एक प्लेयर को नीचे गिरा दिया टीम नंबर 2 के। एक ही प्लेयर बचा है मुसाद जो कि अपने दोस्त को अभी रिवाइव नहीं दे पा रहे एंड अगर मैं बात करूँ GTX का भी टीम नंबर 9 का भी एक ही प्लेयर बचा है। तो यहाँ पे भाई साहब अपने दोस्त को रिवाइव तो दे रहे एंड भाई अभी नहीं GTX तो कभी नहीं, अभी नहीं तो भाई कभी नहीं। और भाई प्लीज़ प्लीज़ वो रिवाइव हो जाएंगे, ओ भाई हो भी गए एंड यहाँ पे बहुत ही खतरनाक यूजी की भाई साहब एमओ खत्म हो चुकी थी, लोडिंग पे भाई लग चुकी थी एंड यहाँ पे टीम नंबर 9 जो कि बहुत ही ज़्यादा अच्छा खेल रही थी वो हमें छोड़ के जा चुके हैं। एंड यहाँ पे टाइगर हल्क अगर मैं बात करूँ तो वो गाड़ी के फूटने की वजह से भाई हमें छोड़ के जा चुके हैं। यहाँ पे टीम नंबर 3X आप देख सकते हो स्टार लॉर्ड के साथ रावण। आज मैं स्टार लॉर्ड को देखे बहुत खुश हूँ, मेरे को ये देखे नहीं थे। रावण आप देख सकते हो यहाँ पे रावण के बंदे टीम नंबर 3। जल्दी से मैं टीम नंबर 7 के पास चलना चाहता हूँ। एनीवेज डेड शॉट भाई 4 किल के साथ बहुत ही बढ़िया। एंड अगर मैं टीम नंबर 7 की बात करूँ तो इन्होंने अपनी ही एक क्लैन के बंदों को मारा था, एनिमिस के क्लैन को एंड भाई बहुत ही खतरनाक ये प्लेयर हैं एंड डब्ल्यूएस को तो पता ही है। एंड अगर मैं बात करूँ टीम नंबर 14 की उनको भी मैंने दिखा दिया है। टीम नंबर भाई चलते हैं यहाँ पे हर्षित हमें छोड़ के जा चुके हैं, वेरी सैड। जल्दी से भाई टीम नंबर 24 के पास चलते हैं RDX नूब। यहाँ पे भाई साहब टीम नंबर 24 ने एक जो डुओ थी यहाँ पे उनको तो पूरा क्लियर कर दिया है जो कि थे भाई हर्षित एंड रोहित रावण। एंड अगर मैं बात करूँ टीम नंबर अभी 24 की फाइट स्टार्ट हो जाएगी टीम नंबर 1 के साथ, बहुत ही दूर की फाइट है एंड मेरे को लग रहा है थोड़ा सा तो मतलब कि टाइम लगेगा रिजल्ट आने में। तो यहाँ पे देखना पड़ेगा कौन सी टीम जीतती है, जिसके पास अच्छी स्नाइपर होगी यहाँ पे और वही जीतेगा एंड अच्छा स्कोप होगा। मेरे को नहीं लग रहा क्योंकि भाई साहब कवर भी है एंड भाई पूरी स्क्वाड भी साथ है, आराम से कवर में रिवाइव मिलता रहेगा क्योंकि मैं भी खेल चुका हूँ यहाँ पे। एंड जब स्कूल में फाइट होती है स्कूल में और अपार्टमेंट में तो भाई कवर मिल जाता है, रश से ही कुछ पता चलेगा। मैं जल्दी से डी हेलो जी के पास चलना चाहता हूँ। डी हेलो जी टीम नंबर 17 जिन्होंने टीम नंबर 25 को पूरा क्लियर किया है एंड यहाँ पे जी मेरे को बहुत ही ज़्यादा खुशी हुई है। आप फिर से खड़े हो चुके हो, आपको रिवाइव मिल चुका है एंड वो गाड़ी भाई साहब वहाँ पे आपने देखा भी क्या हुआ, यहाँ तो ग्रिश था एंड यहाँ पे जी बहुत ही तगड़ा स्प्रे यार। एंड अगर मैं जी की बात करूँ तो भाई बहुत ही खतरनाक प्लेयर हैं जायरो के, वो जायरो बहुत ही खतरनाक चलाते हैं। बट यहाँ पे भाई ओम उससे भी खतरनाक जो ओम है ना HLV ने चला दिया है एंड जी भाई हमें छोड़ के जा चुके हैं। तो जिसको भाई ये लग रहा है ना भाई इतनी दूर से बंदा मार दिया ये तो हैकर होगा भाई, यहाँ पे आप देख सकते हो भाई साहब हैकर ऐसे तो मर नहीं सकते भाई। ओम का बहुत ही खतरनाक शॉट एंड यहाँ पे जी हमें छोड़ के जा चुके हैं, बट जी ने भाई साहब जाते जाते किल भी ले लिया है बहुत ही तगड़ा। और यहाँ पे भाई साहब एक ही प्लेयर बचा है HLV का, बहुत ही ज़्यादा खतरनाक। यहाँ पे वैसे अब टीम नंबर 1 भी है एंड टीम नंबर 17 ने अपना एक प्लेयर खो दिया है, उस्ताद एंड किलर ही बचे हैं। तो यहाँ पे देखना पड़ेगा ये क्या करते हैं। मैं जल्दी से रावण के बंदों को कवर करना चाहता हूँ, देखना चाहता हूँ वो कहाँ पे है। अगर मैं रावण स्कोर की बात करूँ तो यहाँ पे भाई दो गाड़ियों में ना वो घूम रहे हैं, मतलब कि पोचिंकी के आसपास है, ब्रिज के आसपास आप कह सकते हो एंड टीम नंबर 3 के ओर जा रहे हैं, टीम नंबर 3 आगे ही हैं। एंड अगर ये यहाँ रुकते हैं तो मेरे को नहीं लग रहा फाइट होगी, बट अगर वो थोड़ा सा आगे जाते हैं तो भाई फाइट तो पक्का
होगी। यहाँ पे भाई महादेव की फाइट स्टार्ट हो चुकी है, तो जल्दी से मैं टीम नंबर 10 के पास चलना चाहता हूँ। एंड यहाँ पे आप देख सकते हो डब्ल्यूएनएस ने भी भाई डब्ल्यूएनएस की फाइट भी स्टार्ट हो चुकी है, तो जल्दी से टीम नंबर 8 के पास चलता हूँ। तो भाई ब्रिजेस पे ना, ब्रिज में नो के ब्रिज में बहुत ही ज़्यादा अच्छी फाइट चल रही है। यहाँ पे टीम नंबर 8 देख सकते हो, टीम नंबर भाई 7 देख सकते हो, एंड स्टार लॉर्ड में एक बंदा नीचे गिरा दिया है। तो जल्दी से टीम नंबर 3 के पास चलता हूँ मैं। अगर मैं टीम नंबर 3 की बात करूँ तो भाई उनकी भी फाइट हो चुकी है स्टार्ट, एंड भाई बहुत सारी फाइट स्टार्ट हो चुकी हैं। एंड भाई मैं जल्दी से टीम नंबर 24 के पास भी चलना चाहता हूँ, बट यहाँ पे देख सकते हो आप टीम नंबर 3 अभी सभी बंदे अलाइव हैं। टीम नंबर 23 उनका एक बंदा हमें छोड़ के जा चुका है। एंड टीम नंबर अगर मैं 21 की बात करूँ तो उनकी भी सभी बंदे अलाइव हैं। बहुत ही ज़्यादा बढ़िया। फिर से भाई फोकस करते हैं टीम नंबर 8 का। यहाँ पे आप देख सकते हो टीम नंबर 8 डब्ल्यूएनएस की स्क्वाड जिनकी फाइट हो रही है भाई सब एनिमस के बंदों के साथ। यहाँ पे भाई डेविल सुमित हमें छोड़ के जा चुके हैं। ओ भाई साहब, ओपी ओपी ओपी। एंड यहाँ पे भाई बहुत ज़्यादा बढ़िया। एंड यहाँ पे आप देख सकते हो भाई बहुत ही खतरनाक सफर है दूर से। एंड भाई साहब बंदों ने पोजीशन ले रखी है। एंड टीम नंबर 15 के भी बंदे यहाँ पे हैं। एंड यहाँ पे भाई साहब बहुत ही तगड़ा व्यू मिला, बहुत ही तगड़ा व्यू मिला। एम बी मिलान को पूरा खा गए, रावड़ी बचे हैं। एंड यहाँ पे भाई साहब बहुत ही ज़्यादा खतरनाक, अगर मैं बात करूँ टीम नंबर 7 के बंदों की तो बहुत ही खतरनाक। यहाँ पे भाई इनके ऊपर रश हो गया, मेरे को नहीं पता इनके ऊपर हुआ या इन्होंने किया है। एंड अगर मैं बात करूँ इनकी तो भाई ये ही बचे हैं। एंड भाई कुछ तो करना पड़ेगा। ओ भाई साहब बहुत ही खतरनाक खेले टीम नंबर 15 के बंदे। एंड यहाँ पे टीम नंबर 8 ने भी रश कर दिया है, और मेरे को देखना पड़ेगा कि क्या ये बंदे मतलब के कैसे खेल पाएंगे। यहाँ पे मैं जल्दी से टीम नंबर 14 के पास चलना चाहता हूँ। यहाँ पे अगर मैं बात करूँ भाई डार्क साइको, यहाँ पे आप देख सकते हो महादेव हमें छोड़ के जा चुके हैं। एंड इनकी फाइट यहाँ पे हुई थी, मेरे को पता नहीं कौन सी टीम के साथ हुई थी। एंड जल्दी से भाई टीम नंबर 21 के पास चलते हैं जिनकी फाइट स्टार्ट हो चुकी है टीम नंबर 23 के साथ। एंड यहाँ पे टीम नंबर 3 भी है, तो यहाँ पे भाई साहब तीन स्कोर्स की फाइट देखने को मिल रही है। बहुत ही ज़्यादा तगड़ा यहाँ पे फाइट चल रहा है, तगड़ी फाइट चल रही है। अगर मैं टीम नंबर 1 की बात करूँ तो यहाँ पे भाई साहब एक प्लेयर हमें छोड़ के जा चुका है, एंड सरकार नोक पड़े हैं। टीम नंबर 3 की बात करूँ तो एक प्लेयर हमें छोड़ के जा चुका है, एक बंदा नोक पड़ा है, दो खड़े हैं। टीम नंबर 23 की बात करूँ तो यहाँ पे सभी बंदे अभी अलाइव नहीं है, एक ही बंदा छोड़ के जा चुका है, बाकी तीनों बंदे अभी ठीक है। और यहाँ पे रावण भाई नीचे गिर चुके हैं, एंड पूरा किल भी किया भाई साहब। यहाँ पे टीम नंबर 3 फाइनली हमें छोड़ के जा चुकी है। अब सेमीफाइनल टीम नंबर 23 एंड टीम नंबर 21 का, इनमें से कौन जीतेगा बहुत ही मजा आएगा। अगर मैं आर्यन की बात करूँ तो उनकी भी फाइट हो चुकी है स्टार्ट, टीम नंबर 1 वर्सेस टीम नंबर 24। यहाँ पे भाई साहब मतलब के आने हमको पता चलने वाला है भाई कौन सी टीम तगड़ी है। अभी यहाँ पे अगर मैं बात करूँ टीम नंबर 24 की तो उनकी फाइट स्टार्ट हो चुकी है टीम नंबर 1 के साथ। यहाँ पे आर्यन नोक पड़े हैं। फेस चेंजर की बात करूँ एंड आयुष की बात करूँ, वो अपने दोस्त को भाई रिवाइव नहीं दे पाएंगे क्योंकि उनको पता है कि पोजीशन अभी थोड़ी सी अच्छी है। तो यहाँ पे भाई साहब आप देख सकते हो टीम नंबर 1 एंड वो हमें फाइनल छोड़ के जाने वाली है। आरजीज क्रेजी भाई नोक हो चुके हैं, एंड यहाँ पे भाई साहब न्यू प्लेयर ने टीम नंबर 1 को पूरा वाइप किया, बहुत ही ज़्यादा तगड़ा। यहाँ पे टीम नंबर 2 की बात करूँ मसूद आर्मी की लोए नीचे गिर पड़े हैं। एंड यहाँ पे मसूद आर्मी की अगर मैं बात करूँ ड्रॉप उड़ रहे हैं, एंड टीम नंबर 22 के साथ उनकी फाइट हो रही है। यहाँ पे डीहेलोस एंड देख रहा हूँ मैं, बस वो ही बचे हैं। एंड टीम नंबर 2 की बात करूँ तो यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ दो प्लेयर बचे हैं। मसूद ने देख लिया है एंड को, एंड यहाँ बहुत ही तगड़ा यहाँ पे भाई लेट चुके हैं, बहुत तगड़ा खेल रहे हैं। मसूद नीचे गिर चुके हैं, एंड यहाँ पे सिर्फ भाई साहब दो प्लेयर फिर से बचे हैं। यहाँ पे भाई लोइन को फिर से रिवाइव मिल चुका है। एंड यहाँ पे अगर मैं HR71 की बात करूँ तो भाई बहुत तगड़ा स्प्रे, एंड भाई साहब बहुत ही खतरनाक ही खेलते हुए डीहेलो सैन ने वैसा लोइन को फिर से नीचे गिरा दिया है। एंड यहाँ पे अनिक की बात करूँ तो मेरे को लग रहा है उनके पास हेल्थ नहीं थी। एंड यहाँ पे डीहेलो सैन बहुत ही ज़्यादा खतरनाक खेलते हुए। जल्दी से टीम नंबर 8 के पास चलता हूँ जिनकी फाइट हो रही है। आप देखते हो टीम नंबर 19 के ऊपर भाई सब कर रहे हैं रश। यहाँ पे भाई कोरी बासु देख रहा हूँ मैं, एंड यार मेरे को बहुत ही ज़्यादा अच्छा लग रहा है भाई साहब। यहाँ पे मैं कोरी का एक प्लेयर देख रहा हूँ, वही मैं कहूँ यार कोरी की स्कोर नहीं आ रही। एंड यहाँ पे यार मैं कोरी बासु देखा तो मेरे को बहुत ही ज़्यादा अच्छा लगा। अगर मैं बात करूँ कोरिस की तो भाई उन्होंने भी पोजीशन ले रखी है, आरजी कलर के साथ खेल रहे हैं। एंड यहाँ पे टीम नंबर 8 भाई तब से वही पोजीशन में खड़ी हुई है। नूब किंग यहाँ पे नीचे गिर चुके हैं, एंड भाई नूब किंग के पास भी चलना चाहता हूँ, उनकी फाइट हो रही है। टीम नंबर 8 भाई बहुत ही खतरनाक यहाँ पे फाइट चल रही है, बट मैं देखना चाहता हूँ नूब किंग। एंड रावण के बंदों के पास जल्दी से चलना चाहता हूँ। टीम नंबर 23 यहाँ पे अगर मैं टीम नंबर 23 की बात करूँ तो वो भी हमें छोड़ के जा चुकी है।
थोड़ा सा मैं लेट हो गया यहाँ पे। भाई रावण के बंदों ने बहुत ही खतरनाक खेला, अपना एक बंदा तो खो दिया, बाकी बंदे अभी तक अलाइव हैं, आराम से यादव रिवाइव हो जाएंगे। एंड भाई बहुत ही ओपी गेम प्ले, माफ़ करना गाइस मैं आपकी लास्ट फाइट दिखा नहीं सका, फाइनल दिखा नहीं सका मैं। एंड ये मेरे को भी बहुत बुरा लगा, बहुत ही तगड़ी फाइट हो रही थी, तो मैं टीम नंबर 23 के बंदों के साथ माफ़ी मांगना चाहता हूँ, बंदों से माफ़ी मांगना चाहता हूँ। भाई बहुत ही ओपी खेले आप, बट फिलहाल टीम नंबर 23 हमें छोड़ के जा चुकी है। भाई टॉप 10 टीम बची हुई है, एंड यहाँ पे अगर मैं बात करूँ तो भाई बहुत ही खतरनाक फाइट हो रही है। टीम नंबर 21 सेफ है, टीम नंबर 24 भी सेफ है, टीम नंबर 17 भी सेफ है, टीम नंबर 22 भी सेफ है, टीम नंबर 5 की अगर मैं बात करूँ उनके पास टीम नंबर 14 है, एंड अगर मैं बात करूँ टीम नंबर 7 और 8 की उनकी तो फाइट हो रही है। भाई बहुत ही खतरनाक, टीम नंबर 8 जोन की एजिस पे है, एंड पीछे से भी भाई उनको नहीं पड़ेगी, तो ये तो भाई अच्छी बात है। बट टीम नंबर 7 को अगर मैं बात करूँ पीछे से पड़ सकती है, अगर टीम नंबर 14, 5 एंड 17 के बंदे यहाँ पे आ जाते हैं, बहुत ही ज़्यादा बढ़िया। यहाँ पे डब्ल्यूएस की टीम रश नहीं कर रहे हैं, बहुत सेफली खेल रहे हैं, यहाँ पे डेविल सुमित छोड़ के हमें जा चुके हैं, एंड टीम नंबर 7 के बंदे भी भाई साहब एम करके एम लेके बैठे हैं। यहाँ पे आप एनिवेस डेडशॉट को देख सकते हो, एंड बहुत ही भाई बढ़िया, बहुत ही ओपी यहाँ पे गेम प्ले दिखाई देता हुआ। ओके, तो अगर मैं टीम नंबर 17 की बात करूं तो भाई फार्म में आ चुकी है वो, एंड ड्रॉप के बहुत ज़्यादा पास हैं। ड्रॉप की अगर मैं बात कर लूं तो यहाँ पे ड्रॉप में भाई साहब खाली ड्रॉप, कोई ना लूट के होंगे, एंड भाई बंदे भाई कुछ छोड़ते नहीं है। टीम नंबर 17 यहाँ पे आप देख सकते हो, बहुत ही बढ़िया यहाँ पे भाई साहब अभी तक बचे हुए हैं। एंड मेरे को लग रहा है ना जब तक जोन नहीं बनता ना तब तक बंदे हिलेंगे नहीं, क्योंकि जोन में भी जाना पड़ेगा, अभी देखना पड़ेगा जोन किसके फेवर में आता है। तो यह है जोन, अभी देखना पड़ेगा किस टीम को भाई जोन किस टीम के फेवर में आता है जोन। तो यहाँ पे अगर मैं बात करूँ टीम नंबर 19, टीम नंबर 17, टीम नंबर 5, 22 एंड 14, बहुत झगड़ा 7 और 8 दोनों को भाई सब जाना पड़ेगा यहाँ से, और मेरे को लग रहा है अब कुछ हलचल होगी स्टार्ट। एंड अगर मैं बात करूँ टीम नंबर 7 की तो उन्होंने बाकी अपने पकड़ लिया है, एंड जोन में जाने की जोन के लिए रेडी हो चुके हैं, एंड निकल भी चुके हैं। टीम नंबर 8 को यार पता चल गया होगा वो निकल चुके हैं, हरितिक ने बता दिया होगा, एंड वो भी अभी बाकी हैं जोन के लिए, बहुत ज़्यादा बढ़िया। सभी टीम्स जोन में अगर मैं दिखाऊँ तो आप देख सकते हो बहुत ही ज़्यादा स्मॉल हो चुका है, एंड सभी टीम्स आ चुकी हैं जोन की तरफ, बढ़ रही हैं, बहुत ही ज़्यादा बढ़िया यहाँ पे गेम प्ले देखने को मिल रहा है, ओपी गेम प्ले यहाँ पे आप कह सकते हो। आज जो फाइट्स हैं बहुत ही ज़्यादा कम हुई है, एंड मेरे को थोड़ा सा भाई साहब आसान हुआ है बंदों को दिखाना, बहुत ही ज़्यादा बढ़िया। यहाँ पे हृतिक देख सकते हो बगी ले आ चुके हैं, बहुत ही ज़्यादा नाइस प्लेयर। यहाँ पे कोई बंदा आल पे है चला रहा है, कोई आल पे है, ऑल पे है, ऑल पे है, और यहाँ पे टीम नंबर 8 ने भी भाई गाड़ी पकड़ चुकी है, एंड वो निकल चुके हैं जोन के लिए, बहुत ही तगड़ी टीम। एंड टीम नंबर 7 के पास ना चाहिए फिर से चले जाएं, क्योंकि अगर मैं बात करूँ टीम नंबर 8 तो उनका रूट यहीं पे होगा, क्योंकि यहाँ पे हाउसेस हैं, तो भाई क्या पता वो यहीं पे आएँ, एंड पूरा फ्लैंक मार के जा रहे हैं टीम नंबर 8 के बंदे। एंड अगर मैं बात करूँ तो डोर में स्नाइपर यहाँ पे आप देख सकते हो, इनको हमें हैचा ना हमेशा ही ऐसे ही घरों में छुपता देखता हूँ, ऐसे ही घरों में छुपते हैं जो झोंपड़ी में। एंड टीम नंबर 22 जिनकी फाइट चल रही है टीम नंबर 14 के साथ, यहाँ पे आप देख सकते हो, एंड यहाँ पर टीम नंबर 14 की फाइट हो रही है टीम नंबर 22 के साथ, देखते हैं क्या कर पाते हैं। टीम नंबर 14 की बात करूँ तो गाड़ी लगा रखी है, ओ भाई मोली 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 बाल बाल, नहीं 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 ऊपर मत जाइए, ऊपर मत जाइए, यहाँ पे गाड़ी को भी आँख लगी है, एंड बहुत ही तगड़ा स्कैम यहाँ पे होता हुआ, एंड बहुत ही बढ़िया। यहाँ पे अगर मैं साइको की बात करूँ तो वो पट्टियाँ ले बैठ रहे हैं, दोनों ही साइको बचे हैं, और डी हेल्स एन की स्कोड़ी है, बट यार गाड़ी का बहुत ही यहाँ पे भाई बहुत ही अच्छा ये बात है कि गाड़ी नीचे लगी है, वो डायरेक्टली भाई रश नहीं कर पाएंगे, ये बहुत ज़्यादा अच्छी बात होगी। बट यहाँ पे भाई
अगर मैं गुरजीत की बात करूँ, नेट किया है एंड भाई नेट से ओ भाई बाल बाल बचे यहाँ पे भाई साहब, ओ भाई जंप ले रहे हैं एंड यहाँ पे स्ट्रैटेजी कोई मेरे को लग रहा है कोई, ओ भाई यहाँ पे साइको ने भी ले रखी है पोजीशन। एंड अगर मैं बात करूँ टीम नंबर 8 की तो यहाँ पर उनकी फिलहाल फाइट हो रही थी एंड यहाँ पे भाई दो बंदे छोड़ के जा चुके हैं हमें, WNS के हरितिक एंड स्टेज हमें छोड़ के जा चुके हैं, बहुत ही तगड़ा झटका। यहाँ पे अगर मैं टीम नंबर 24 की बात करूँ तो भाई साहब ये टीम है भाई भाई बहुत ही खतरनाक खेलते हैं, टॉप 10 में तो आ चुके हैं, मैं भी भाई साहब इनका चिकन ब्याज हो जाए। यहाँ पे टीम नंबर 22, यहाँ पे अगर मैं बात करूँ साइको के बंदों की तो ये बहुत ही तगड़ी स्ट्रैटेजी यहाँ पे गाड़ी लगा रखी है एंड कोई आ तो नहीं सकता। मैं जल्दी से यादव के पास चलना चुका, टीम नंबर 17 जिनकी फाइट हो रही थी भाई साहब, मैं भूल गया किसके साथ हो रही थी, मैं भूल गया, मेरे को बता देना भाई साहब, इनके साथ हमारी फाइट हो रही थी एंड भाई बहुत ही खतरनाक ये प्लेयर टीम नंबर 21 एंड भाई बहुत ही खतरनाक खेलते हैं, जोन में चलना पड़ेगा। अगर मैं टीम नंबर 22 की बात करूँ तो यहाँ पे बहुत ही बढ़िया टीम नंबर 14 को ये फ़ायदा हो चुका है कि भाई जोन में है वो, तो अभी फिलहाल थोड़ी देर वो एक दो मिनट के लिए यहाँ पे टिक सकते हैं, टिक के फिर से बैठ सकते हैं। तो यहाँ पे भाई साहब दोनों ही बंदे बहुत डर रहे हैं कि भाई क्या बच पाएंगे या नहीं बच पाएंगे एंड यहाँ पे कितना घातक यहाँ पे ड्रेस आउटफिट, और यहाँ पे भाई ये तो टिक ही नहीं रहे, ये तो टिक ही नहीं रहे यार। एंड टी नंबर अगर मैं 22 की बात करूँ तो वो नीचे ही भाई साहब मंडरा रही है, मतलब कि बहुत ही खतरनाक तरीके से एंड सभी प्लेयर्स यहाँ पे आ रहे हैं। एंड अगर मैं बात करूँ टीम नंबर 21 की तो वो भी यहाँ पे रुकेंगे, गाड़ियों को देखकर तो वो पक्का यहाँ पे रुकेंगे, गाड़ियाँ है क्या यहाँ पे ये मैं देख लेता हूँ। और भाई आगे भी फाइट हो रही है, टीम नंबर 11 यहाँ पे डोर में स्नाइपर आ चुके हैं एंड यहाँ पे टीम नंबर 24 और यहाँ पे एनवीएस डेड शॉट भाई बहुत ही खतरनाक। यहाँ पे टीम नंबर 24 धीरे धीरे हमें छोड़ के जाती हुई टीम नंबर 7 बहुत ओपी खेल रहे हैं एंड यार यहाँ पे आप देख सकते हो एनवीएस डेड शॉट, मेरे को लग रहा है भाई साहब बहुत ही खतरनाक रहे खेल रहे हैं और यहाँ पे भाई थर्ड पार्टी ना हो जाए इनके ऊपर। एंड ये क्या, ये क्या, ये ओ भाई ये क्या है, ये क्या, ये यहाँ पे क्या हुआ था, यहाँ पे भाई कौन सा बंदा है भाई साहब, यहाँ पे RDX नू फिर से नीचे गिर चुके हैं, आरजीस क्रेजी भी नीचे गिर चुके हैं एंड यहाँ तो अभी रश बनता है एंड यहाँ पे टीम नंबर 24 का एक ही प्लेयर बचा है जो कि अपने दोस्त को रिवाइव देना चाहता था बट यहाँ पे भाई रिवाइव नहीं मिलेगा। ओपी यहाँ पे ओपी गेम प्ले, यहाँ पे टीम नंबर 24 हमें फाइनली छोड़ के जा चुकी है, रावड़ी को नीचे गिरा दिया था बट वो आराम से रिवाइव हो जाएंगे। जल्दी से टीम नंबर 22 के पास चलता हूँ जो कि अभी तक यहाँ पे भाई बैठी हुई है एंड भाई साहब अभी मज़ा आ रहा है भाई फाइट देखने का। अगर मैं टीम नंबर 17 की बात करूँ, उस्ताद हमें जो कि अकेले बचे हैं अपनी टीम नंबर 17 से भाई वो आए हैं, रावण के बंदे ऊपर आ चुके हिल पे एंड WNS के बंदे भी यहाँ पर हैं, यहाँ पे लेटे हुए हैं। तो भाई थोड़ा सा तो यहाँ पे भाई बहुत ही थोड़ा सा नहीं बहुत ही खतरनाक यहाँ पे अभी फाइट होगी क्योंकि भाई साहब बहुत ही कम कवर है एंड बंदे आराम से मतलब के दिख जाएंगे लेटते। एंड अगर मैं बात करूँ टीम नंबर 14 की, ओ नेड गर्मी हो गया, मैं भी गर्मी हो गया नेड, नहीं 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 भाई मेरे को लगा गर्मी हो गया। एंड अगर मैं बात करूँ टीम नंबर 22 के ऊपर, नेड तो किया है बट टीम नंबर 22 बहुत ज़्यादा पीछे एंड कवर में भी है तो आराम से बच जाएंगी। एंड टीम नंबर 14 ने बहुत ही तगड़ी भाई साहब बहुत ही तगड़ी यहाँ पे स्कीम अपनाई एंड भाई बहुत ही ओपी बहुत काम आई यार, ये बहुत ही ज़्यादा काम आई स्कीम। एंड यहाँ पे आप देख सकते हो टीम नंबर 22, अगर भाई साहब ये गाड़ी नहीं होती तो मेरे को लग रहा था टीम नंबर 22 टीम नंबर 14 को भाई पक्का कर देते, बहुत ही ज्यादा अमेजिंग गेम प्ले। और यहाँ पे जल्दी से यादव के पास चलते हैं, ओ भाई साहब मतलब कि जोन देख सकते हो भाई बिल्कुल भी नहीं है। और यहाँ पे अगर मैं बात करूँ टीम नंबर 21 की तो यहाँ पे आप देख सकते हो टीम नंबर 21 जिनकी फाइट अभी फिलहाल किसी के साथ नहीं चल रही बट यहाँ पे भाई साहब आप M249 देख सकते हो एंड ओम भाई साहब दोनों ही जो गन्स है ना ड्रॉप किए हैं एंड यहाँ पे भाई रावण के बंदे भाई लोटरी लग चुकी है। एंड टीम नंबर 21 यहाँ पे अस्ताद अमित के ऊपर एम है एंड 6x भी है तो भाई बहुत ही तगड़ा रहेगा यहाँ पे व्यू। एंड रावण के बंदे आज बहुत ही खतरनाक खेलते हुए एंड 12 किले। और यहाँ पे अगर मैं बात करूँ टीम नंबर 19 की तो भाई साहब वो रावण के बंदों के पास आ रही है एंड यहाँ पे कोरिश के बंदे मे भी हमें छोड़ के चले जाएंगे एंड यहाँ पे बहुत ही खतरनाक रावण के बंदे खेल रहे हैं एंड भाई दोनों ही बंदों को नीचे गिरा दिया है, बहुत ही ज़्यादा ओपी। टीम नंबर 21 की बात करूँ तो भाई बहुत ही ज़्यादा अच्छा खेल रहे हैं। टीम नंबर 22 के पास चलता हूँ एंड टीम नंबर 22 कब से भाई साहब कोशिश कर रहे हैं भाई इन दोनों को मारने की, ओ भाई साइको नीचे गिर चुके हैं, साइको नीचे गिर चुके हैं एंड भाई जोन में इनको चलना पड़ेगा। यहाँ पे भाई गाड़ी पकड़ दी उन्होंने एंड वो गाड़ी से अभी कहाँ जाएंगे, कहीं ये इनका अंतिम सफर ना हो क्योंकि भाई साहब यहाँ पे पीछे से पड़ चुके हैं डार्क साइको भी,
भाई साहब लास्ट में भाई मार दिया भाई, बहुत ही ज्यादा खतरनाक मार के ही दम लिया। बट यहाँ पे डोन, ओ माय गॉड, डोन भाई स्नाइपर, ओ भाई साहब डोन भाई स्नाइपर मर चुके हैं भाई साहब। डोन भाई स्नाइपर ने भाई एनिमियस के भाई दो दो बंदे मार दिया अकेले ही, बहुत ही ज़्यादा बढ़िया। एंड भाई साहब यहाँ पे रावण के बंदों ने लास्ट में उनको मार दिया। बट रावण के अगर मैं बंदों की बात करूँ तो यहाँ पे भाई साहब रावण के बंदों को उस्ताद खा चुके हैं। एंड यहाँ पे भाई बहुत ही खतरनाक, यहाँ पे रावण के बंदे और उस्ताद अमित ही बचे हैं। एंड अगर मैं बात करूँ उस्ताद अमित और यहाँ पे भाई साहब थर्ड पार्टी हो चुकी थी भाई साहब, अगर मैं बात करूँ टीम नंबर 22 के ऊपर, बट यहाँ पे भाई टीम नंबर 21 ने उस्ताद अमित के ऊपर रश कर दिया है। उस्ताद अमित ऐसे वैसे बंदे नहीं हैं भाई, वो भी बहुत अच्छे प्लेयर हैं। यहाँ पर देखना पड़ेगा क्या वो भाई टीम को मार पाएंगे। रावण माफिया, और रावण माफिया को पता चल चुका है। एंड यहाँ पे बार, ओ भाई रावण माफिया को नीचे गिरा दिया था। उस्ताद अमित की बात करूं तो बहुत ही ओपी खेले, बट भाई साहब आज फर्स्ट टाइम अगर मैं बात करूं तो भाई साहब आज बहुत ही खतरनाक गेम प्ले देखने को मिला। एंड यहाँ पे रावण के बंदे फर्स्ट टाइम नहीं भाई बहुत ही बार जीत चुके हैं, हमारा कस्टम रूम आज भी जीत गए। एंड बहुत ही बढ़िया एंड ओपी खेले टीम पर। अगर मैं टू की बात करूं तो भाई डी हेलो जी के बंदे वो भी बहुत ही खतरनाक खेले। उस्ताद अमित भाई टॉप टू में लेकर आए अपनी टीम को, बहुत ही बढ़िया। टीम नंबर जो कि थर्ड पोजीशन में आई है उसकी बात करूं तो यहाँ पे डी एल ओस एन के बंदे वो भी बहुत खतरनाक खेले, बट यहाँ पे थर्ड पार्टी हो चुकी थी उनके ऊपर तो वो भी हमें छोड़ के चले गए। तो गाइज आज बहुत ही ज़्यादा मज़ा आया, बहुत ही ओपी गेम प्ले था एंड मेरे को बहुत ही मज़ा आया देखने का। तो फिलहाल तो गाइज आज के लिए बस इतना ही। अगर आपको हमारा ये वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक कर देना, अगर चैनल में नहीं हो तो सब्सक्राइब भी कर देना। थैंक यू गाइज, थैंक यू वेरी मच। और अगर आप भी खेलना चाहते हो हमारा कस्टम रूम तो डिस्क्रिप्शन में मैंने व्हाट्सएप ग्रुप दे रखा है, तो जल्दी से जाओ ग्रुप को ज्वाइन करो क्योंकि वहां पे भाई रूम आईडी एंड पासवर्ड आ जाता है। थैंक यू वेरी मच गाइस, थैंक यू फॉर वॉचिंग।